तो जी पापा को लगी थी दांतरी, तो पापा का जो नाखून जो है ना वो कट गया था, ये जो नाखून है ना ऐसे दांतरी लग गई। पापा जी कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है मैं। फिर फिर तो जब होएगा ना साफ फिर मैं पूछूंगा तेरे को। भी इतने भी होया, इतने भी होया, फिर फट के कितने इतने भी होया। तुसी क्या उधर शेरां सट्टा लग गया रहा दिन, चल पट्ठे वाड़, तुसी मेरे वो साला दे पट्ठे उड़ा दे रहे हैं साली यार। यार आज मैं भी तो बड़े ने पट्टे अभी तो पूरे मैं दो कहूँ आखे पट्ठे वड़ो, थबे। चल 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 कल पीर मोहम्मद ने बांध दी थी पट्टी, आज मैं बांध रहा हूँ। उसने ये राख जो है ना वो बनाकर पापा को लगाई थी, काफी फर्क पड़ा। पापा कोट के बन ने कोट आज फिर अगली साइड से बन अगली साइड डॉक्टर को जावे या पट्टी लुआवे ते कदों सही हो जाना। ओ यार जी हो जाना है तो टेंशन ना ले, अब जी परेशान हो ना हो जाना यार है। जानू, परेशान ना हाँ हुआ करो आप, अच्छा नहीं होती, मेरी मेरी वजह से ना परेशान हुआ करो। नहीं होती सानू परेशान किया हो आप हैं। पट्टी बांध दी गई है, आप देखते हैं कब तक ये ठीक होता है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तकरीबन पिछले 5-6 दिन से ना कोई बीमारी आई है मुर्गियों की, जिनकी वजह से हमारी मुर्गियां जो है ना 15 से 20 जो है वो मर चुकी हैं। तीन अभी ये चूजे हाँ पड़े ये हुए तीन हैं। मर गई हाँ हैं, जी कुछ दो रात को छोटे मरी है, हैं ये रात को बड़ा। मरी है, ये आप ही मर रहे हैं दोनों। हाँ जी, तो ये जो बड़े इतने माशाल्लाह से इतने प्यारे लगते थे, काफी मतलब सारी हवेली में घूमते थे ना, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन 15 से 20 मर गए हैं, तो बहुत दुख हुआ है इनके लिए, बहुत ही ज्यादा दुख हाँ हुआ है। 15 से 20 तकरीबन, जिसमें मतलब कि दो तीन बड़े जानवर थे, मुर्गियाँ थी और मुर्गे थे, और उसके अलावा मतलब कि इस तरह के ये साइज के चूजे थे। सारे पूरा साल मतलब कि मेहनत तो बंदा करता है, और एंड पर मतलब कि ये हिसाब किताब लग जाना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वैसे भी एक अल्लाह ताला की ये जान है, और बीमारी की वजह से खास तौर पर मर जाए तो बहुत बुरा लगता है। और अभी जो है ना मतलब बीमार सारे ही हैं, ये नहीं है कि दूसरे बच्चे हुए हैं, बीमार सारे ही हैं, मेडिसिन उनको दिए लेकिन अभी तक कोई खास फ़र्क जो होता है ना वो नहीं पड़ा। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अभी तक भी बीमार है। और रात को मतलब तीन मर गए हैं, तो चार परसों रात को मरे थे, चार पांच उससे नेक्स्ट डे जो है उसमें मतलब मरे थे। मतलब इस तरह कर 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 15-20 जो है ना वो मर गए। बाकी अल्लाह करम करेगा, जो भी अजाब है अब क्या कर किस्मत सकते की हैं। बात होती है, ये शायद इनकी जिंदगी इतनी थी और हमारी किस्मत में ये सब लिखा हुआ था, और क्या है। चलो कोई नहीं, कुछ ये घूम रहे हैं ये देखें, इतने शुक्र ज्यादा थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतने से रह गए हैं, हाँ इतने ज्यादा हुआ करते थे यकीन मानो यार, बहुत ज्यादा अभी थे। ये तो देखें आपके सामने बस। अभी इनके लिए इसमें मेडिसिन डाली है पानी हाँ में, पानी में वो मेडिसिन बहुत है, वो अच्छा होता पाउडर है। साशा होता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मतलब डाला है, वो भी मतलब इनके लिए बेहतर है। उसके अलावा सिरप वगैरह लाए थे वो भी इनको दिया है, और इंजेक्शन इंजेक्शन थे भी वो भी दिया इनको है, लगाए हैं, और तकरीबन बेहतर ही है पहले से। लेकिन घर 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 ये नज़ला वगैरह जो होता है ना इस तरह से मतलब कोई बीमारी फैली हुई है, लेकिन ये रह गए, बड़ा दुख हो रहा है यार यकीन मानो। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मतलब कि एक आधा जानवर मर जाए ना तो फिर बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान, बस क्या कर सकते हैं अब। हालांकि सर्दी इतनी रही है, इतनी सर्दी से कहते हैं कि जानवर जो है ना, परिंदे जानवर, इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, जुकाम नजला होता है, हाँ लेकिन अभी माशाल्लाह से मौसम इतना चेंज हो गया, गर्मी आ गई है, इस गर्मी के मौसम में इस तरह से हुआ है तो बहुत दुख है इतने बड़े नुकसान का। कोई नहीं, अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है, इसमें भी शायद कोई ना कोई बेहतरी होगी, लेकिन दुख बहुत बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल एक कमेंट आया हुआ था कि आप कह रहे थे कि मैं तो दोनों वाइफ में जो है ना अपनी बीवियों में इंसाफ करता हूँ, तो जो सूट आए हैं मोहसिन भाई की तरफ से आए हैं, जो आए हैं वो तेरा नहीं क्यों पहने हैं, दोनों सूट ही तेरा ने क्यों पहने हैं, एक तो फिर आपकी वाइफ का था ना, तो वो बस चेकिंग के लिए पहने हैं, और दूसरे नंबर पर वो शायद तेरा ही के लिए आए थे, तो ये हाँ जी, बात। आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं और वहां पर देखें कि फातिमा ने ना कमेंट्स नीचे की है, लरैब विद मोहसिन के नाम से उनका चैनल है, तो उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि ये हमारी सिस्टर के दोनों सूट हैं, वो भाभी है हमारी, जब वो हमसे मिलेगी तो इंशाल्लाह उनके लिए भी भेजेंगे। हाँ मतलब अभी तक वो मसले मसाले ना उधर जी है, सर, तो वो आप मैके बैठी है, अब क्या बंदा करे, तो जब आएगी तो उन्होंने कहा भाई उनके लिए भी आ जाएगा, लेकिन ये तारा के लिए, तो बाकी कोई नहीं तो ऐसी अगर। कोई बात नहीं है, अगर मैंने पहने भी है ना तो वो आती है घर तो दोनों सूट ही उसके पास चलेंगे, वो ही पहनेगी, क्योंकि जो है इस वक्त क्या मैं कहूँ, क्या मैं तो पहन ही सकती, तो वो पहन सकती है, पतली स्मार्ट सी गर्ल है हाँ वो बस अगर यही बात है, बाकी अल्लाह ताला करम करेगा वो इंशाल्लाह। ईद से पहले आ जाती है तो भाई उनके पास चले जाएंगे। ओके बहुत ज्यादा मक्खियां थी, बहुत ज्यादा मक्खियां थी, एक तो ये कपड़ा डाल दिया डाला हुआ था, फिर भी बहुत बर्तन गंदे करती थी, लेकिन ये है कि अब जो है ना अभी लेकर आए हैं मेडिसिन जो मक्खियों और मच्छरों के लिए होती है, तो जब भी मक्खियां इतनी ज्यादा जमा होती तो स्प्रे लगा देते हैं, तो शुक्र है अब कुछ बेहतर है। अभी हमने जनाब चारा जो है ना भैंस के लिए वो काटना है, क्योंकि सुबह बिल्कुल ही नहीं काटा था, जैसे कि आप लोगों को पता है कल हमने पानी लगाया था, इसलिए फिर ना हमने चारा बिल्कुल नहीं काटा, बस एक दो थप्पे काटे थे जो मतलब रात को खा लिए और सुबह उनको दिए थे। अभी शाम के लिए और दोपहर के लिए जो है ना
चारा काटना है। अब ऐसा सबको मैंने बोला है आ जाए जल्दी हो जाएगा, दोनों मिलकर काट लेते हैं। जैसे हम बाहर निकले जनाब, ये दुनिया भी बाहर आ गई और ये दुनिया भी बाहर आ गई, ये मखलूक भी बाहर आ गई और ये मखलूक भी बाहर आ गई। हमारे तो यार करी शाम दिए ओ की बेचारा खलोता है आन दे बब्बू जे नु वो तेरी है मेरे लिए आना है वो तेरी खैर। सबसे पहले तो ये जो सरसों का बीज है ना, इसको जनाब अंदर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ ये धूप पर ना मतलब खराब हो रहा है, नीचे गिर रहा है। हाँ आजा आजा आते ओ पहने थे बड़े ना सारे इकट्ठा कर ला सारे आई वाड़ ला दातरी ना दातरी हो बेच पी बड़ी आजा। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में वाकई चारा काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी क्या करें, भैंस को डालना है क्योंकि पानी खुश कभी हुआ है। अब ऐसा भी लगे हुए हैं तकरीबन, इतने हमने काट लिए, इतने और काटने हैं बस। ये दरांती जना मेरी है, वो वैसा की आजकल छोटी दरांती है इसलिए उसके चारा भी थोड़ा काटा जाता है, बहुत तेज बंदा है। अभी ने चारा लाकर डाल दिया है भैंसों को भी और साथ में जनाब छोटे मुन्ने भी आ गए हैं, इधर आ गए हैं नीरे हर पास से टुटे बंदे और बकरियों को भी माशाल्लाह कर दिया। अब शाम तक इनका हिसाब सब निकल जाएगा और गर्मी बहुत ज्यादा पसीना पसीनी हो गए लाला, अल्लाह करम करेगा। बाकी तो ये सजा है ना इतनी धूप में, सुबह फर्स्ट टाइम भी बंदा दो तीन बड़ी बड़ी पंडे जो उनके लिए काट के रख लेता है ना, इतनी ज्यादा धूप में नहीं करना। चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अब भी कुछ थोड़े से बर्तन है ये वॉश करते हैं और फिर आटा भी गूंथते हैं, सब्जी मैंने बना दी है, शाम हो चुकी है बिल्कुल भी, तो अभी थोड़ा बहुत जो काम करने वाला वो करते हैं। और मुझसे कह रही हूँ कि आप सालन बना लें, मैं बर्तन वॉश करके मैं जनाब ताबेदार। हाँ जी बहुत ज्यादा पानी पी ले भरो। अभी जनाब प्याज जो है ना ऊपर रख दिए सालन के लिए और अदरक लहसुन जो है ना वो कूटने लगा हूँ, तारा बरकत जो है ना उसने जनाब आटा निकाल लिया, तो सालन की आज जिम्मेदारी मेरी ही, चार सालन मैं बनाऊंगा और आटा वगैरह तो रोटी सीधी बात है मुझसे बनती नहीं, तो वरना वो भी हिसाब किताब लगा लेते, इसलिए फिर रोटी का हिसाब किताब तारा लगा लेगी और वैसा और मैं दोनों मिलकर सालन बना लेंगे। आटा थोड़ा नहीं जी नहीं सही है देख रही हूं मैं, भूखा ना मारी सानू हूं नहीं है इस बहुत दोबारा गुण खराब हो जाए मेरा। चलो फिर ठीक है फिर भी नहीं ज्यादा हो गई। तो जी अभी अब शाम का टाइम हो चुका है, देखिए अंधेरा ही हर तरफ हो चुका है, तो अभी मैं ताला लगाने लगा हूं अपने शाही किले का क्योंकि हम बाहर वाले इलाके में रहते हैं, तो सेफ्टी की तैयारी जो करना होता है ना एहतियात जरूरी होती है, इफ्तिखार ठाकुर की बात करो जी बिल्कुल बिल्कुल एहतियात जरूरी है। चले जी शाही किले के इतने ताले होते हैं, अभी ये भी लगा लो। अभी जनाब तारा बरकत कहाँ पहुंची और हमारा सालन कहाँ तक पहुंचा है, प्याज अभी तक ब्राउन नहीं हुआ है। अभी ना प्याज वगैरह जनाब सब कुछ हो गया, इसमें मैंने मिर्ची वगैरह सब कुछ ही डाल दिया है और साथ में जनाब थोड़ी सी दही जो है ना वो डालते हैं, थोड़ी सी मैंने पहले डाली है थोड़ी सी और डालते हैं। ये जनाब आलू बैंगन दही वाले बन रहे हैं आजकल, आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे क्या बात चेक करें बस। अभी मसाला तैयार हो रहा है, क्या बात। हाँ जी हो गए बर्तन वाश, थक तो नहीं गई है, चूहे खाधी जाते हैं सैर तक करके रखी हुई है, अच्छा बना के लेने मुझे सैर तक रख सारे चूहे खाधी जाते हैं। ये जनाब दलिया वगैरह था लेकिन तारा ने बनाया नहीं अभी तक, इसलिए वो चूहे जो है ना वो खा रहे हैं, मैं वो तो वो इस्तेमाल कर रही हूँ इस वजह से फिर अभी नहीं बनाया, इनको ग्राइंड करना है। वैसे तो इनको दाने जो है ना एक गंदम भून के रखी हुई है तो इनके बस ना ग्राइंड करने के बाद फिर वो पहले वाला खत्म हो जाएगा फिर ये इस्तेमाल कर। अभी सालन हमारा जनाब यहाँ तक पहुँच चुका है, इसमें डाल दिया है मैंने सब कुछ, मिर्चे सब कुछ ही डाल दिया, अब लुक तो अच्छी आ रही है, बाकी देखते हैं कैसा बनता है। सालन हमारा माशाल्लाह से बन चुका है, ये देखिए अर्शद साहब ने क्या सालन बनाया है, और अभी जो है मैं रोटी वो बनानी है, कुछ उन जाना टेक जावे नहीं दिक्कत।
कुछ मेरी बहने भाई बहने ही ज्यादातर होंगी वो कमेंट्स कर रही थी कि ताहिरा आप काम ना किया करें। तो भाई क्या करें, मजबूरी है, अब खाना तो मेरे अलावा किसने बनाना है। तो काम वाली के लिए काफी हम ट्राई कर रहे हैं कि चलो कोई हमें हेल्पर जो है ना वो मिल जाए ताकि थोड़ा बहुत घर का जो काम है ना वो हो जाया करे। तो खाना जो है वो बंदा बना लेता है जैसे भी हो, तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई जैसे ही कोई मिल जाएगी तो फिर अब तब तक तो काम करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। रोटियां हमारी जी बन गई है, दूसरी रोटी मैंने तवे पे डाल दी है और माशाल्लाह से रोटी जो है तैयार हो चुकी है। अभी तीसरी रोटी है वो डालते हैं तवे पे। छेती कर दे मामा जी, भूख बड़ी लगी हुई। अच्छा हो गया बस। कैसा महसूस हो रहा है पापा जी, भूख लग रही है? नहीं बहुत ज्यादा लग रही है जी। पेट इच की हो रही है, पेट में गड़बड़ 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 सा हो रहा है। चूहे दौड़ रहे नहीं या की हो रहा है? कैमरा ये आप के हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में है आधे से ज्यादा ब्रश। मेरा ब्रश था उस बैग में, मैं बैग में ना उठा कर उधर नीचे में उससे गिर गया था अचानक से, तो वो जो है ना टूट गया। देखे टूटे बदमाशा जी, ये टुंडिया ब्रश है। निकल जा मुंड जल्दी जा करके आप खाना खाइए। ये लोग की खाने तो बाद कर दें तो पहले ही कर दा मैंने। अभी खाना हमने बना लिया और हम खा भी आधा हाफ आधा खाना जो हम खा चुके हैं। फिर हमें ख्याल आया कि हमने तो वीडियो भी बनानी है। अब माशाल्लाह सालन जो है वो अच्छा बना है, जबरदस्त बना है और साथ में दही रखा हुआ है। नहीं बनेगा, मैं सही नहीं बना। हाँ वैसे सही कर लो। नमक के मिर्च थोड़े मसाला से बाकी सही। बिल्कुल हां सही है। आलू भी कच्चे ने, ये मेरा फिर सालन है। इस बात से तरस हो गया सालन अच्छा बना से। ना दास दे मत आने, मैं तो बयान कर रहा जदों अम्मी बस उतर छाड़ देना गल्ला नु। जे तो अम्मी सालन बना दी तुसी बेच नुक्स कर देने और थोड़ा छाड़ लो। मेरा नुक्स आई कोई नहीं, मैं तो करना की मैं वो तो अम्मी भी आज मेरा नुक्स आई दूसरी। तो जनाब ये है मिठाई जो मेरी कजन जो है ना वो लगी है पुलिस में, तो उसे उन्होंने भेजी है। मामा जी खोले आप। बोले नहीं खोले खोले, ये पापा ने अभी खा जाने ताकि मेरा पता नहीं लग रहा। कोई गल नहीं, शेर ही खांदे होते हैं। हां जी शेरन जे तो सट्टा लगदे ना उन्होंने, पुत्र मैं शेर नहीं है। हां पुत्र मैं शेर नहीं है। तिल ले आती थी। खोल दे खोल दे खोल दे। ये जनाब स्पेशल मिठाई उन्होंने बनवाई है, चेक करते हैं कितनी स्पेशल है। हाँ जी आप चेक करें। नहीं करें करें, थोड़ा सा खाएं आप चेक करें। नरम तो है, सही है, अच्छी है। नहीं सही है, जबरदस्त वाली माशाल्लाह मिठाई जबरदस्त है। बादाम वगैरह भी डले हुए हैं और वैसे भी नरम नरम है अभी, मतलब ताज़ा उन्होंने बनवाई है और स्पेशल बनवाई है उन्होंने। और ये तकरीबन कह रहे हैं 20 kg बनाई है उन्होंने, तो जो भी रिश्तेदार हैं या दोस्त वगैरह उनके घर उन्होंने भेजी और हमारे यहाँ भी आ गई। बाकी हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और आगे भी अच्छे अच्छे काम करते रहे, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ वैसे आप तुसी भी खा रहे हो अभी तक? भूख लगी है वैसे, मैं आराम आराम खाना तो फौरी खा रहे हैं। पुत्र आराम ना ना खादा कर, तरीके ना टाइम ना खा ले का। नहीं बाहर थोड़ा जी मखा लेना, लेकिन घर आराम ना खा। चलो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करने लगे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी और सोनी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अलानी के बाद अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का रखें, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।